बहुत ज़रूरी है कि हमारे बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शिया बिरादरी के भाई बहन हैं वो मुहर्रम के प्रोसेशन को स्ट्रीमलाइन तरीके से बिना किसी दिक्कत के पूरा कर सके। उनके जितने भी अरेंजमेंट्स को रिलेटेड डिमांड्स हैं उनको हमारे हाथ में जितने रिसोर्सेज हैं उनको दस्ती तौर पर हम ग्राउंड पे निकाल सकें और उनको यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए आपने देखा होगा हमने 7-8 अलग अलग कदम उठाए हैं। सबसे पहली बात है कि 15-20 दिनों से पहले मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मुहर्रम मीटिंग की थी जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कि मीरगुंड ओल्ड बस अड्डा जो सड़क है वो हमारा मेन प्रोसेशन का एक पार्ट है, तो उसको आप एक लंबा स्ट्रेच है उसको आप मैक्सिमाइज कराइए, उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। आरएनबी के हमारे अफसर दिन रात नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में लगे ताकि वो सड़क पूरी हो सके। आप भी देख सकते हैं वो सड़क आज पूरी हो गई है और एक लंबे स्ट्रेच को बड़े कम समय में हमने पूरा किया। उसके बाद जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो ग्रास कटिंग हो चाहे वो सफाई का हो वो हमारे ईओ म्यूनसिपल काउंसिल के हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरवेंशन करके इंश्योर किया है कि पिछले 7-8 दिनों से ग्रास कटिंग एकदम बढ़िया तरीके से। इसके अलावा बिजली पानी की जितने भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं लोड के हिसाब से सप्लाई के हिसाब से उसको इंश्योर करने के लिए खुद एक्सियन पीडीडी एक्सियन आरएनबी और कनाल की सफाई हो उसके लिए एक्सियन इरीगेशन अलग अलग इमामबाड़ों के पास गए, अलग अलग शिया डोमिनेटेड पॉकेट्स में गए देखने के लिए कि किस तरीके से प्रोसेशन के दौरान जितनी रिसोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। उसके बाद हम खुद मागाम गए। मागाम एक ऐसा एरिया है जो हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर है परंतु वहाँ पे भी शिया की जो कम्युनिटी है उनके भाई बहन रहते हैं, उनके साथ हमने खुद बात की। जिस दिन हमारी मीटिंग हुई उसके अगले दिन ही ग्राउंड पे आपने काम देखा, वो चाहे कुछ सड़कों की मैग्नमाइजेशन हो, कुछ पोल्स को लगाना हो, कुछ ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करना हो या जो हमारे टिम्बर की अवेलेबिलिटी है वो प्रोवाइड करनी हो, उन सब चीज़ों पर फौरन काम हुआ। आज मागाम में आप भी अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के लोगों की तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट आई है। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी चीज़ जो हम आज ही शुरू करने वाले हैं जो मुहर्रम के साथ साथ साइमल्टेनियसली चलेगी और पूरे बड़गाम में सब लोगों को एक बहुत फ़ायदा देगी, वो है 500 स्ट्रीट लाइट्स। हम पूरे बड़गाम हेडक्वार्टर्स में हमारा KLC का एक मेजर अमाउंट हमने यूज़ किया है जिसमें वो स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। आज 2-3 बजे के आसपास आप लोगों को भी हमने बुलाया है कि आप भी हमारे साथ आए और उस स्ट्रीट लाइटिंग के काम को बड़गाम को रोशन करने का जो काम है उसमें आप भी भागीदारी दिखाएंगे। ड्रेन की कुछ कंस्ट्रक्शन थी, सबसे बड़ी ड्रेन की कंस्ट्रक्शन मुमामा के आसपास चल रही है। इसके अलावा SSP साहब ने खुद अपने DPL में एक मुलाकात की सारे शिया बिरादरी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एसोसिएशंस के साथ, उनके बुजुर्ग लोगों के साथ, उनकी भी सजेशंस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सुन के SSP साहब ने भी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से उनके अरेंजमेंट्स की तरफ से अपना डिप्लॉयमेंट प्लान हो अपनी जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उसको देखा। उसके साथ साथ आज हम खुद इमामबाड़ा आए हैं, कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोगों की यहाँ पे सजेशन थी कुछ हिदायतें थी उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हो सकती हैं हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से हमारी कैपेसिटी के हिसाब से मैं आपको पर्सनली ये अश्योर करता हूँ कि वो सारी चीज़ें की जाएंगी, पर मुहर्रम के बाद भी हम इन चीज़ों को जो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा नहीं होगा कि मुहर्रम हो जाएगा और हम चीज़ों को भूल जाएंगे, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ताकि नेक्स्ट साइकिल तक आते आते आपको अपग्रेडेशन आपको वर्क्स और बेहतर तरीके से दिखेंगे। इसके बावजूद अगर आपको लगता है किसी भी भाई बहन को हमारे कि कोई और सजेशन है कोई और फीडबैक है जिसको हम फौरन एड्रेस कर सकते हैं, हमारे DC ऑफिस के दरवाजे SSP साहब के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। आप हमें बताएं, हम अपने हाथ में जितने रिसोर्सेज हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है उसको यूज़ करके उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें। थैंक यू।